नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए भारतवर्ष में नफरत के सौदागर कितना भी नफरती जहर क्यों न खोले, लेकिन वह नफरती जहर कभी भी जमीनी स्तर पर आपसी प्रेम, भाईचारे और एक दूसरे के धर्मों के प्रति हर दिल में मौजूद सम्मान की जमीनी सच्चाई को नहीं बदल सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है धरसीमा का चरौदा। यहाँ निजी स्कूल की मुस्लिम बच्चियां भी प्रतिवर्ष राधा व कृष्ण बनते हैं। कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और वास्तव में यह सच भी है। हर वर्ग के बच्चे श्री कृष्ण व राधा का रूप धारण कर शायद यही संदेश दे रहे हैं कि संसार में प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं और नफरत से बड़ी कोई तबाही नहीं। चरौदा की मिर्जा मिराज की बच्ची अलीमा फातिमा भी उन्हीं मुस्लिम बच्चियों में से एक है जो श्री राधा कृष्ण की वेशभूषा धारण करती हैं। मिर्जा मिराज कहते हैं कि पिछले साल उनकी बच्ची जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण कर स्कूल गई थी और इस साल राधा की वेशभूषा धारण की थी। मिर्जा मिराज बेग कहते हैं कि बच्ची की माँ स्वयं बच्ची को तैयार करती हैं। बच्ची जब राधा कृष्ण की वेशभूषा धारण करती है तो अति सुंदर लगती है। कहने को तो ये मात्र जन्माष्टमी पर्व पर श्री राधा कृष्ण की वेशभूषा धारण करने का एक कार्यक्रम भर है, लेकिन प्रतिवर्ष अलीमा फातिमा जैसी मुस्लिम बच्चियाँ श्री राधा कृष्ण की वेशभूषा धारण कर जो संदेश भारतवर्ष और सारे संसार को दे रही हैं वह यही है कि दुनिया प्रेम व सभी धर्मों के सम्मान से चलेगी, नफरत से नहीं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।